आपने स्कूल में कोण मापी या प्रोट्रैक्टर से तमाम तरह के कोण मापे होंगे और उससे आपको एक खास तरह का अनुभव हुआ होगा। आज हम इन लकड़ी के त्रिकोणों से, जिनको कि हमने वेस्ट वुड से बढ़ई की मदद से बनाया है, एक नया तरह का अनुभव हासिल करेंगे कोणों को मापने का। इन लकड़ी के वेजेस को, त्रिकोणों को बहुत आसानी से काटा जा सकता है। इसमें से कुछ राइट एंगल हैं, कुछ स्केलियन हैं, भिन्न भिन्न आकार के त्रिकोण हैं। अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, 1 और 2। अब इन दोनों को कि जो हाइपोटेन्यूज या कर्ण को जब हम मिलाते हैं तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, आयत बन जाता है, जिसके चारों कोण 90 अंश के हैं। अब हम एक दूसरी जोड़ी लेंगे। यहाँ पर एक त्रिकोण है नीचे वाला, जिसमें एक कोण दायां निचला राइट एंगल है, दूसरा स्केलियन ट्राइंगल है, तो ये क्वाड्रिलैटरल बन जाता है। अब ये हमारे पहले वाले हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल, जिनको जोड़ के हमने रेक्टेंगल बनाया, पर इनको हम विभिन्न तरह से आपस में सजा सकते हैं। अब इनको हमने पलट करके अगर इस तरह से सजाया तो देखिए, ये दुबाहु त्रिकोण या आइसोसेलस ट्राइंगल बन जाता है। ये भी एक नए तरह का आइसोसेलस ट्राइंगल बना। ये दोनों कोण एक बराबर हैं और इनकी स्लांट लाइनें दोनों एक जैसी हैं। अब इन दोनों त्रिकोणों को हम आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज करके रख सकते हैं। हमको मालूम पड़ेगा इन दोनों त्रिकोणों के तीनों कोण एक बराबर हैं, लंबाई भी एक बराबर है। अब ये देखिए, ये दोनों हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हैं। इनको हमने एक और ओरिएंटेशन में सजाया तो देखिए, ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ने? एक समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इनकी विपरीत रेखाएं वो एक दूसरे के समानांतर हैं और बराबर है। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक स्केलियन ट्राइंगल है, इससे एक राइट एंगल क्वाड्रिलैटरल बन जाता है। अच्छी बात लकड़ी की यह है कि आप उसको छू सकते हैं, उसको उसकी फील कर सकते हैं, उसकी आपको एक प्रकार की अनुभूति होती है। इन दोनों को अगर हम एक अलग ओरिएंटेशन में रखें तो ये भी एक क्वाड्रिलैटरल बन जाता है, पर इसका कोई भी कोण, चारों कोणों में से कोई भी कोण अब 90 अंश का नहीं रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो वेस्ट फेंकी हुई लकड़ी है उससे अलग अलग तरह के त्रिकोण काटें और उनको अलग अलग तरह से सजा के रखें। उससे आपको त्रिकोणों के, कोणों के बहुत नायाब अनुभव होंगे।